में अरविंद केजरीवाल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 19 जुलाई को एक फैसला लिया था कि किसानों के आंदोलन के संबंध में जो कोर्ट में केस चल रहा है उसमें वकील की नियुक्ति दिल्ली सरकार के पैनल से होगी। दिल्ली सरकार के जो चयनित वकील हैं वही किसानों के मामले को कोर्ट में देखेंगे। इस बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कैबिनेट में ये फैसला लिया था। संविधान में वकीलों की नियुक्ति करने का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में इस अधिकार को ठीक से एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास ये अधिकार है कि वो वकीलों का चयन करेंगे। लेकिन आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उस फैसले को बदल दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहते हैं कि संविधान में मुझे अधिकार दिया गया है कि मैं दिल्ली की चुनी हुई सरकार के फैसले से असहमत होने की स्थिति में उसे केंद्र सरकार के राष्ट्रपति के पास भेज सकता हूं रेफरेंस के लिए, और तब तक के लिए मैं ऑर्डर कर सकता हूं दिल्ली सरकार को। संविधान में उनको ये अधिकार दिया गया। उन्होंने अपने फैसले में लिखा है, आई हैव रेफर्ड द मैटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डिसीजन ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज एन अर्जेंसी इन सेंसिटिविटी। Therefore, in exercise of the powers conferred in provision Article 239A of Constitution, I hereby direct that 11 law officers, advocates, as suggested by Delhi Police, via their communication, this be appointed. ये वकीलों की नियुक्ति करने में केंद्र सरकार की क्या दिलचस्पी है? वकीलों की नियुक्ति किसानों के मामले में, जब कोर्ट में किसानों के मामले में जस्टिस होने की बात हो तो केंद्र सरकार के वकील मैटर को देखेंगे, दिल्ली की चुनी हुई सरकार की नहीं चलने देंगे। इसमें केंद्र सरकार की क्या दिलचस्पी है? वो किसानों के खिलाफ ऐसा क्या करने चाह रही है? दूसरी बात, अगर वकीलों की नियुक्ति तक भी एलजी ही करेंगे, अगर केंद्र सरकार ही करेगी, तो संविधान में फिर चुनी हुई सरकार का मतलब क्या रह जाएगा? जैसा मैंने कहा कि संविधान में और संविधान की व्याख्या में माननीय सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने ये साफ साफ कहा है कि दिल्ली सरकार के पास वकील चुनने का अधिकार है। ये भी बात सच है कि एलजी साहब के पास में एक प्रोविजन है कि अगर दिल्ली सरकार के किसी फैसले से वो खुश नहीं है या सहमत नहीं है तो वो उसको प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं वहाँ डिसीजन के लिए, और तब तक के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन संविधान के इस अधिकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट में कहा है कि, मैं पढ़ देता हूं उसका कोट, उसमें लिखा है कि अगर इफ एनी मैटर एलजी डज नॉट एग्री विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो उसको प्रेसिडेंट मैटर के पास भेजेंगे, प्रेसिडेंट के पास में। द वर्ड एनी मैटर एम्प्लॉयड इन द प्रोविजो ऑफ क्लॉज 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी इन्फर्ड इन एवरी मैटर। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर संविधान ने एलजी साहब को यह अधिकार दिया है कि वो किसी मामले में चुनी हुई सरकार के फैसले से असहमत होंगे तो उसको केंद्र सरकार के पास भेजेंगे ताकि प्रेसिडेंट का डिसीजन उस पर लिया जा सके, तो किसी मामले का मतलब ये नहीं हो गया कि हर एक मामले में। ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये भी कहा है कि The power of Lieutenant Governor under this said provision represents the exception and not the general rule which has to be exercised in exceptional circumstances. बहुत असाधारण परिस्थितियों में Lieutenant Governor को ये अधिकार का इस्तेमाल करना होगा, ये Supreme Court कहते हैं। Supreme Court ने कहा है कि the Lieutenant Governor should not act in a mechanical manner, मशीन की तरह से खटखट हर एक मामले में नहीं करना है, ये Supreme Court ने कहा है। लेकिन केंद्र सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इस अधिकार का, जो संविधान में उनको दिया गया है कि आप चुनी हुई सरकार के फैसले से सहमत हों तो आप हमारे पास भेजें, इसका लगातार हर मामले में इस्तेमाल करा रही है, आए दिन इस्तेमाल कर देते रहते हैं। तो अगर इस अधिकार का उपयोग करके केंद्र सरकार को ही दिल्ली का सारा शासन चलाना है, दिल्ली की सारी व्यवस्था चलानी है, दिल्ली के हर चीज को, चुनी हुई सरकार के काम को रोकना है, यहां तक कि वकीलों के काम को रोकना है, तो फिर केंद्र सरकार संविधान को पढ़े ठीक से और फिर सोचे कि फिर यहां सरकार की जरूरत क्या है, फिर चुनी हुई सरकारें चुनाव क्यों कराए जाते हैं, चुनाव पे इतना शब्द क्यों, लोकतंत्र, संविधान की बात क्यों, फिर तो कह दीजिए यहां पे लोकतंत्र है ही नहीं।
हम लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, लोकतंत्र की बात करेंगे और फिर लोकतंत्र एक तरीके से चुनी हुई सरकार के काम में एक ऐसे प्रोविजन का जिसके लिए कहा गया है कि कभी कभार बहुत असाधारण मामलों में इस्तेमाल करेंगे, उसका रोज हर तीसरे दिन इस्तेमाल करा रहे हैं। अगर वकील चुनने का काम भी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं करेंगे तो फिर मुख्यमंत्री के पास पावर क्या है? और ऊपर से किसानों के मामले में मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि किसानों के मामले में आप किसानों के खिलाफ ऐसी कौन सी साजिश रच रहे हो जिसका आपको डर है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी के खड़े हुए वकील हुए तो वो साजिश आपके काम नहीं आ पाएगी, कामयाब नहीं हो पाएगी? इसका जवाब दें। और साथ साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह से किसानों के मामले में और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के मामले में टांग अड़ाना पड़े।